तो एक और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, दूसरी ओर भगवान पर रचित रामचरितमानस के अंदर विवाद ढूंढने की पूरी कोशिशें हो रही है। बिहार के जिन शिक्षा मंत्री को वहां की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मशहूर होना चाहिए था, वो रामचरितमानस विवाद खड़ा करने के लिए मशहूर हो गए हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर बिहार के शिक्षा मंत्री के पटना कार्यालय की है। वैसे तो यहाँ पर छात्रों का भविष्य बेहतर कैसा हो, पेपर लीक होने की घटना कैसे रुके, यूनिवर्सिटी के लेट सेशन को कैसे ऑन टाइम किया जाए और शिक्षकों की कमी को कैसे दूर किया जाए, इस पर मंथन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ कर्मचारी रामचरितमानस में विवाद ढूंढने में लगे हुए हैं। कल जब टीवी 9 रिपोर्टर रुपेश कुमार बिहार की राजधानी पटना में शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचे तो हैरान रह गए। यहाँ बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर नहीं, रामचरितमानस पर चिंतन हो रहा था। यहाँ शिक्षा मंत्री और कार्यालय में मौजूद लोग पेपर और हाइलाइटर लेकर रामचरितमानस पर गूगल कर रहे थे, बाकायदा नोट तैयार किए जा रहे थे। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पेपर पर रामचरितमानस की चौपाइयों को हाईलाइट किया जा रहा था। एक्सरसाइज का नतीजा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम हैं और हर गुजरते दिन के साथ विवादित बयान देकर लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। टीवी 9 रिपोर्टर रुपेश कुमार ने उनसे पूछा कि रामचरितमानस में जो अच्छी बातें हैं वो आप क्यों नहीं बताते, क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा। रामचरितमानस में कितने दोहे हैं, हजारों दोहे हैं, उनकी कभी व्याख्या आपने की? अरे भैया, जो 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 अपमानजनक है इस देश में 90% लोगों को समाज से काटता है, अपमान में जीने के लिए विवश करता है, उसी को रेखांकित किया हूँ। अच्छा को क्यों करूँ, अच्छा क्या, तो अच्छा है। क्या हासिल होगा इससे, चूंकि 16वीं शताब्दी में लिखी गई और उसके ये 8 दोहों को आज सामने ला करके, और आज सिर्फ कोई नेता नहीं बल्कि आम जो हिंदू हैं जिनकी आस्था राम में है और राम की कथा में है, उनकी भी कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई हैं। मैं पूजा करता हूं, मगर उस प्रभु श्री राम की पूजा करता हूं जो सबरी के जूठ बेर खाते हैं, उस भगवान कृष्ण की पूजा करता हूं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं, सुप्पन भगत के बेटा को मंदिर में जाने से जो रोकता है वो किसी भी प्रयास का खिलाफ। उस राम और इस राम कौन से हैं, राम तो एक ही हैं, उनके करेक्टर अलग अलग हैं। वो जय श्री राम वाले हैं, हम लोग हे राम वाले हैं। जय श्री राम नफरत पैदा करता है, हे राम मोहब्बत पैदा। यही बात प्रदेश अध्यक्ष ने आपकी कही थी, मतलब कि ये एक एजेंडा है, ये कोई एजेंडा है, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होती है, उसी बीच हे राम जय श्री राम और नहीं नहीं राम जन्मभूमि पे सवाल, फिर रामचरितमानस पे सवाल। प्रभु श्रीमान सुनिए, ये आपकी समझ हो सकती है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर भले ही सीएम नीतीश कुमार ने कल कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज उनकी पार्टी नए तेवर में दिखी। जेडीयू नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि रामचरितमानस के बारे में शिक्षा मंत्री ने जो कहा है वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि जिस शिक्षा मंत्री को लोगों को जागरूक करना चाहिए वो भ्रम फैला रहे हैं। सुनिए अशोक चौधरी ने आज क्या क्या कहा। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस की चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, रखिएगा तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा कि ये रामचरितमानस सही नहीं है। हम तो कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हम साथ में मिलकर के रहें, साथ में मिलकर के जाएं, तो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात को, बयानबाजी को बंद करना चाहिए। माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, माफी नहीं मांगेंगे वो अलग बात है, क्योंकि आरजेडी ने तो, अब आरजेडी के जो प्रवक्ता उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि ये उनका निजी मामला है, तो अब निजी मामले में, लेकिन हम तो उनका निजी मामले को भी कंटेम्प्ट करते हैं। तो नीतीश कुमार के मंत्री भले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को परहेज करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से अपने मंत्री के साथ है। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज कहा कि रामचरितमानस पर जो विवाद है उसमें पूरी पार्टी प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ है। हमारे चंद्रशेखर भाई भी यहाँ हैं और जो राह समाजवादियों ने हमें बताई है उस पर आज भी चलने का एक काम कर रहे हैं। नीक लाइन में मैं जरूर कहूँगा कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपकी कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं, आगे लड़ाई होगी उसको लड़ा जाएगा। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।